नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। आजकल पीठ दर्द की समस्या न सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि युवाओं में भी बेहद आम हो गई है। ऐसे में कुछ लोग योग करना बहुत पसंद करते हैं, तो ये सवाल आता है कि क्या आप पीठ दर्द में योगा कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं। ये सवाल कई लोगों के दिमाग में आ सकता है जो पुराने पीठ दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं। पीठ दर्द में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साथ एक तंत्रिका, मांसपेशी, हड्डी या फिर ये सभी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा योग में मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के समान तत्व और हिस्से शामिल होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। इससे पहले कि आप पीठ दर्द के लिए एक प्रभावी समाधान खोजने के लिए योग करना शुरू करें, पीठ दर्द के कारणों को जानना और फिर अपना लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। योग एक रोज का अभ्यास है और हर तरह के कमर दर्द में योग आसनों को शुरू करने से पहले किसी योग विशेषज्ञ से बात करना जरूरी है। शोध के अनुसार ये माना जाता है कि योग व्यायाम का एक बहुत ही लोकप्रिय और इफेक्टिव और सेफ तरीका है, लेकिन जब आपको किसी तरह की शारीरिक बीमारी हो जैसे कि जोड़ों में दर्द, योग शुरू करने से पहले किसी भी विशेषज्ञ या चिकित्सक से अपना परामर्श जरूर करें और फिर उसके बाद विचार करें कि आपको योग करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा किसी विशेषज्ञ के देखरेख और मार्गदर्शन में योग आसन करने की सलाह भी दी जाती है, खासकर बीमारियों के मामले में। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कमर दर्द में कौन कौन से योगासन फायदेमंद बताए जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंधरासन की। इस आसन को करने के लिए योग मैट पर श्वासन की स्थिति में यानी पीठ के बल लेट जाए। सबसे पहले घुटनों को नितंबों के पास रखते हुए पीठ के बल लेट जाइए, हाथ कमर के पास सीधे रखिए, फिर नितंबों को ऊपर उठाइए, सांस को रोक कर रखिए। इसके बाद नितंबों को वापस लाते समय सांस छोड़िए और पूर्व स्थिति में आ जाइए। इस क्रिया को 10 बार कीजिए। इसके बाद बात करते हैं मकरासन की। पेट के बल लेट जाइए। इसके बाद दोनों कोहनियों को जमीन पर रखें। अब बिना कोहनियों को उठाए सिर और कंधों को ऊपर की तरफ ले जाएं। गहरी सांसें लें और गहरी सांस छोड़ें। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे से ऊपर लेकर जाएं, फिर धीरे धीरे नीचे से ऊपर लेकर जाएं। इस तरह से 10 चक्र कर सकते हैं। इसके अलावा ताड़ासन भी आप कर सकते हैं। इसके लिए जमीन पर आसन बिछाएं व कमर के बल पर लेट जाएं। एड़ी पंजे मिले रहें और हथेलियां जमीन पर जांघों की बगलों में टिकी रहें। सांस भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं और हथेलियां आपस में जोड़ लें। पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करें। कमर से ऊपर का भाग ऊपर की ओर खींचे और नीचे का नीचे की ओर। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आए। इसके अलावा भुजंगासन भी आप कर सकते हैं। भुजंगासन के लिए पेट के बल जमीन पर लेट जाइए, दोनों पैर सीधे करके मिला लीजिए, फिर दोनों हाथों को चेहरे के सामने रख लीजिए, दोनों हाथ की उंगलियों को पान का आकार दीजिए, उस आकार में अपनी ठोड़ी को रख लीजिए। सांस भरते समय धीरे धीरे दोनों हाथों को सीधा कीजिए। कुछ समय तक इसी स्थिति में रुकिए, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले की स्थिति में वापस आ जाइए। तो चलिए बात करते हैं हस्तपादासन के बारे में। हस्तपादासन के अभ्यास से शरीर को कुछ गजब के फायदे होते हैं। ये आसन न सिर्फ आपके शरीर को हील करता है बल्कि नई जिंदगी भी देता है। हस्तपादासन का अभ्यास करते हुए सिर दिल के नीचे होता है। इस स्थिति में रक्त का प्रवाह पैरों में होने की बजाय सिर की तरफ होने लगता है। इससे दिमाग में रक्त और ऑक्सीजन की अच्छी खासी मात्रा पहुँचने लगती है। इसे करने की अवधि 15 से 30 सेकंड के बीच होनी चाहिए। इसमें किसी दोहराव की आवश्यकता नहीं होती है। हस्तपादासन के अभ्यास से हिप्स, कमर, हैमस्ट्रिंग और कावे पर असर पड़ता है और इसे करने से इन सभी अंगों पर फायदा पहुंचता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।